अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ लाइफस्टाइल विद शेरी। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से इन्जॉय कर रहे होंगे। लिबर्टी मार्केट के बेसमेंट में मौजूद हूँ और बहुत ज़्यादा डिमांड होती है आप सबकी कि इस तरह के ड्रेसेस दिखाए जाएँ, प्राइसेस के साथ दिखाए जाएँ। तो लिबर्टी मार्केट के बेसमेंट क्या, लिबर्टी मार्केट में बहुत सारी शॉप्स हैं जिनसे आप इस तरह कपड़े बनवा सकते हैं, लेकिन पर्सनली मैं प्रेफर करती हूँ बेसमेंट को, हाथों पे कारीगरों से अगर ड्रेस बनवा ले रहे। वैसे कारीगर भी हर तरह के मौजूद हैं, बहुत बहुत एक्सपेंसिव भी हैं और मुनासिब भी हैं, लेकिन बहुत ध्यान से चूज़ करना पड़ता है क्योंकि आपको सिर्फ सस्ता नहीं देखना, आपको काम अच्छा भी देखना है और टाइम पे मिलना भी चाहिए। तो ये एक जो है ओपन शर्ट, डबल प्रेस शर्ट में एक स्टाइल बना हुआ था, बहुत खूबसूरत है। इसमें बहुत सारा कटवर्क भी है, 3D वर्क भी है, एप्लिक वर्क भी है, मतलब मल्टी काम हुए हैं इसमें, और लुक बहुत खूबसूरत है। ब्लैक और सिल्वर का बेसिकली कॉम्बिनेशन है। प्राइसेस मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी ताकि आपके लिए ऑर्डर करने में आसानी हो। इसके अलावा ये एक ड्रेस था, ये भी प्यारा था, ऊपर इसके केप बनी हुई है। मुझे वैसे ब्लैक के साथ ये गोल्डन कॉम्बिनेशन भी अच्छा लगा। ये लाइट लाइलैक, थोड़ा पिंकिश लाइलैक सा कलर है, थोड़ा मैक्सी, ओपन मैक्सी स्टाइल में बनी हुई है, और ये इसको वलीमा मैक्सी भी कहा जाता है। काफ़ी हैवी किस्म की है, ब्रीजे नेट पे इन्होंने फुल एम्ब्रॉयडर्ड नेट है और उसके ऊपर ये एप्लिक वर्क हुआ है, उसके ऊपर 3D वर्क हुआ है, तो काफ़ी मज़े का काम है। और अगर आपको पसंद है तो आप इसको ऑर्डर कर दे सकते हैं और कस्टमाइज़ भी हो सकती है, इसके ऊपर केप भी है। और या तो मैं यहाँ पे एक बात ऐड कर दूं कि जब भी आप फॉर्मल ड्रेसेस बनवाएं, या तो लाइनिंग फुल लगवाएं स्लीव्स के नीचे, या लाइनिंग बिल्कुल भी मत लगवाएं। मतलब आपकी चॉइस है, अगर आपको लाइनिंग चाहिए तो फुल लगवाइएगा, क्योंकि हाफ़ लाइनिंग थोड़ा चीप लुक देती है, मतलब लगता है कि आपने आम शॉप से सूट किया हुआ है। बहुत सारे ड्रेसेस थे शॉप पे, बहुत खूबसूरत खूबसूरत ड्रेसेस थे, एप्लिक वर्क में कट वर्क भी था बीच में ऐड, और 3D वर्क भी था। तो ये एक और अमेजिंग सा ड्रेस है, इसमें जो है लाइंस आ रही हैं ऊपर से, तो उसमें क्या होता है कि अगर मतलब हम लोग शॉर्ट हाइटेड हैं तो हाइट जो है लंबी लगती है, जो चबी हैं वो पतले लगते हैं। तो ये इस तरह के डिज़ाइन जो हैं बहुत मज़े के लगते हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया हुआ है। दो तीन ऐसी चीज़ें हैं शॉप पे जो मुझे बहुत खूबसूरत लगी हैं, उसमें से एक ये है। ये इनका थोड़ा सा बाकी डिज़ाइन के मुकाबले थोड़ा लेटेस्ट डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत है, बहुत नीट बना हुआ है। तो अगर आप चाहें तो आप ऑर्डर कर सकते हैं, मुझे बताइएगा आपको कौन सा ड्रेस सबसे ज़्यादा पसंद आया। मुझे इसका कलर कॉम्बिनेशन और हाथों पे जो, मतलब अगर ये ऊपर डिज़ाइन ना भी होता तो जस्ट जो वाइट की लुक है ना वो भी बहुत खूबसूरत है, और हल्की सी इसमें एयरलाइन शेप है। उसके अलावा ये जो है, ये मैं दोबारा दिखा रही हूँ क्योंकि इसमें जो लाइंस हैं, आप उन लाइंस का फ़ायदा समझिए कि मतलब एक आपकी हाइट, दूसरा आपका वेट, दोनों को ये बहुत अच्छे से कवर कर सकता है। और ये एक है, ये भी मैक्सी स्टाइल में, थोड़ा फ्रॉक स्टाइल में, ओपन बनी हुई है, और इसके पे भी ब्रीजन नेट का फुल एम्ब्रॉयडर्ड जो है वो फैब्रिक यूज़ हुआ है, ये भी प्यारा है। इसका फ्लावर्स का जो कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है, यहाँ पे जो है पिंकिश, पीचिश और ग्रीन के साथ है। इस पे इनके सारे ड्रेसेज हैं वो आप कस्टमाइज़ करवा सकते हैं अपनी मर्ज़ी के कलर के। ये दूसरी चीज़ है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, ये बहुत ज़्यादा मतलब इसमें भी फ्लावर्स नहीं, मुझे नीचे जो नेट का स्टाइल है और यहाँ पर जो स्टिचिंग स्टाइल है मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद आया। फ्लावर्स भी वैसे अच्छे लग रहे हैं, देखिए कितनी क्यूट मैक्सी लग रही है, लेकिन लड़े बहुत स्किनी लोगों के लिए, ये शायद उसकी लुक ऐसी है, बहुत खूबसूरत लुक थी। वैसे ये मैक्सी है जो कि मुझे पसंद आई है, मतलब मुझे नहीं आई, जिन्होंने बनवाई है उनका पसंद आई है। तो ये हम लोग इंशाल्लाह ऑर्डर करेंगे और आप देखिएगा कि कैसा बन जाता है। और इसके अलावा अब हम यहाँ से मूव किया है तो, और यहाँ पे ये एक रस सा कलर है, थोड़ा ब्राउनिश टोन में ज़्यादा है, तो ये बच्चे का था, और बच्चे का 25 में और यानी कि 50 में बड़ों का बनेगा। लहंगा चोली थी, दुपट्टा इंक्लूड नहीं था, बहुत एक्सपेंसिव लगा मुझे क्योंकि काम बहुत सिंपल था, सितारा था और नीचे बस थोड़ा सा बॉर्डर पर थोड़ा हैवी हुआ हुआ था, बट इतना कुछ नहीं था। बट लिबर्टी लिबर्टी है, बार्गेन करना पड़ता है, और अगर आपको किसी का काम समझ नहीं आ रहा, आपको एक्सपेंसिव लग, कहते फ्लेयर भी ज़्यादा होगा ना जब हम बड़ों का करेंगे, अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो आपको मूव कर जाना चाहिए। फिर मैं यहाँ पे शॉप है, ये अड्डा लगाया हुआ था, इनकी शॉप भी थी अंदर, मतलब अच्छा सेटअप था इनका, और इनसे मैंने पूरा डिस्कस किया कि मुझे इस तरह का दुपट्टा बनवाना है, शर्ट फुल हैवी बनवानी है, बाजू पर भी फुल काम चाहिए। तो उन्होंने कहा कि वो 62K में बनाएंगे, और उन्होंने बकायदा मुझे स्लिप भी दिखाई कि उन्होंने रिसेंटली
असल में प्योर पे, मतलब आप ये ना समझिएगा कि मतलब कितना महंगा है बाकी जगह में सस्ता नजर आ रहा है, ये बिल्कुल प्योर फैब्रिक की बात हो रही है। हम टसल सिल्क पे बात कर रहे थे, तो टसल सिल्क का जब दुपट्टा भी हो शर्ट भी होता तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था। अच्छा जी, यहाँ पे ये मुझे दिखा रहे थे कि यही अभी हमने सेम ऑर्डर लिया है और इतने ही इसके चार्जेस बन रहे हैं। खैर थोड़ी मेरी तसल्ली हुई, बट मेरे बजट से आउट था तो मुझे मूव करना था यहाँ से, लेकिन मैंने कहा मैं आपको चीज़ें दिखा दूँ। समटाइम्स हमें किसी की कोई चीज़ क्लिक कर जाती है और यहाँ पे वो अपना एड्रेस वगैरह दिखा रहे हैं, अगर किसी को ऑर्डर करना हो तो जाके ऑर्डर कर सकते हैं, बार्गेन भी कर सकते हैं। काम की नफासत आप देख सकते हैं, काम का स्टाइल वगैरह सब कुछ आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये जो है ये बहुत कम लोगों ने किया हुआ है, दूसरे स्टाइल से ज़्यादा किया हुआ है, इससे ज़्यादा हैवी लुक आती है। और उसमें ये बंचेज़ वगैरह भी ऐड थे। इस टाइम बहुत लेट नाइट हो रही है और तो मुझे इस टाइम सोना चाहिए, तो मैंने सोचा मैं आज वीडियो चूँकि कल भी मैं सो चुकी थी, इसलिए मैं सोचा आज मैंने वीडियो डाली है। हो सकता है आप में से बहुत से लोग इंतज़ार कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे थे तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह मैं इतनी अच्छी वीडियोज़ लाऊँगी कि आप लोग डेफिनेटली मेरी वीडियो का इंतज़ार करेंगे। इसकी मेकिंग 25K है, सिल्क मटेरियल पे बना हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ज़्यादातर कारीगरों से अगर आप पूछेंगे तो आपको जस्ट मेकिंग बताएंगे, इस बात का ध्यान रखिएगा। ऐसा ना हो कि आप किसी की भी वीडियो देखें और आप जाके उनसे शिकवा करें कि आप तो बहुत पैसे बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखा कीजिए, ध्यान से बातें सुनना कीजिए, सिर्फ मेकिंग बता रहे होते हैं ये हाथों पर कारीगर। अगर आप किसी बाकायदा बुटीक पर जाते हैं तो वो मोस्टली आपको फैब्रिक स्टिचिंग वगैरह के साथ बताते हैं। ये मैं आपको इस दुकान की डिटेल्स वगैरह दिखा रही हूँ, अगर कोई जाना चाहे तो ज़रूर जाए। लिबर्टी असल में आप यूँ कह सकते हैं कि ख़जाना है जिसको तलाश करना पड़ता है। यहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलता है, बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन घूमना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है, बार्गेन करना पड़ता है, डीलिंग करनी पड़ती है, जो कि काफ़ी सरदर्द वाला काम है, लेकिन फिर उसमें ना कफल भी मिलता है। ये एक और शॉप पर मैं आपको लेके आई हूँ, अगर आपको कोई ड्रेस पसंद हो तो आप ऑर्डर कर सकते हैं। ऑर्डर करने के लिए आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, म्यूज़ के बहुत सारे आर्टिकल्स जो हैं इनके पास मौजूद थे बहुत सारे। और ये जो है ना, ये महले इसकी तो बात ही अलग थी, इतना खूबसूरत कलर था, इतना ज़्यादा कि मतलब महले कोई आधा घंटा मैं इस दुपट्टे को ही देखती रही हूँ। अभी मैंने कितनी वीडियो स्किप की मैंने इस दुपट्टे को इतना कैप्चर किया, बहुत पसंद था। अच्छा, ये भी मुझे बहुत ज़्यादा प्यार लग रहा है, मैंने इसकी स्पेशल वीडियो कैप्चर की बाद करवाई है भाई से। और यहाँ पे आप ऑर्डर कर सकते हैं, अभी तक मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ अच्छा रहा है। आप मेरे थ्रू भी ऑर्डर कर सकते हैं, आप डायरेक्ट भी ऑर्डर कर सकते हैं। आप जाइए लिबर्टी के बेसमेंट में, आपको बहुत सारी अच्छी शॉप्स मिलेंगी, बहुत सारे अच्छे कारीगर मिलेंगे। ये है वो, इसकी मेकिंग 30-35 तकरीबन है। मतलब आपको जो ड्रेस पसंद आया आप मुझसे पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, तो फिर मैं आपको डिटेल्स बता दूँ। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपके साथ ज़्यादा डिटेल्स साथ ही स्क्रीन पे शेयर कर दूँ ताकि कोई भूल चुक ना हो। इसकी प्राइस अभी तक मुझे मालूम नहीं है, बट मुझे क्यूट लगा था, मैंने कैप्चर कर लिया आपके लिए। अगर आपने ऑर्डर करना हो तो आप पूछ सकते हैं, ये भी मुझे अच्छा लगा था। इसकी प्राइस मैं पूछ नहीं सकी क्योंकि हम अपनी डीलिंग वगैरह में मसरूफ़ हो गए थे, बट ये भी प्यारा था। इस दुकान का कोई भी ड्रेस आपको पसंद है तो आप हमसे ऑर्डर कर सकते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर मैं भाई से पूछ रही थी, उन्होंने कहा ये 250 रुपये गज़ वाला फैब्रिक है ऑर्गेन्जा का, और इन्होंने बताया कि ये जो है काम भी इस पर हुआ हुआ है। मुझे बहुत सॉफ्ट लगा, मुझे लगा कि सबसे सॉफ्ट वही है। उसके बाद ये उससे मीडियम क्वालिटी है, ये जो है वो 700 रुपये गज़ वाला है। मुझे वैसे पर्सनली, अच्छा ये कहते हैं ये वाला होता है अकरा हुआ जो लोन के अक्सर सूटों के साथ आता है, तो मुझे तो 700 और मतलब मुझे इतना फ़र्क नहीं लगा, लेकिन सबसे अच्छा जो लग रहा था, मतलब जो डिफरेंस फील हुआ वो 250 और इनमें हुआ। मतलब बाकी ये दोनों मुझे सेम ही लग रहे थे, ये सबसे अच्छा ये 1000 रुपये की है। तो भाई मुझे थोड़ी सी इनकी क्वालिटी का बता रहे थे, तो मुझे 250 वाली क्वालिटी पसंद आ रही थी तो मुझे नहीं पता, मतलब मैं चाह रही थी कि मैं लेके देखूं, बट ऐसा पॉसिबल नहीं था। और ये दुपट्टा देखिए जी कितना हसीना में आला है, इस दुपट्टे आप सूट पहने ना तो ये दुपट्टा आपके पैसे पूरे कर देगा। ये भी एक डिज़ाइन है जो कि मुझे अच्छा लग रहा था, ये टील कलर पे सिल्वर काम है, और ये जिस तरह आप लाइनिंग वाला बना रहे हैं ये कितने का है? ये 25,000 रुपये। अच्छा, इस तरह जैसे ये। और ये मटेरियल कौन सा है? ऑर्गेन्जा। अच्छा, कपड़ा हमारा होगा। और मेकिंग क्या बताइए आपने? 25 मेकिंग। फिर भी बाजू पे भी दो लाइन। अच्छा, बाजू पे भी दो लाइन है। और ये वाला जो फुल वाला है सेम, ये भी 25 है। ये भी 25 है, बैक फ्रंट सेम।
ये बाजू के साथ आया वो 35। अच्छा बैक फ्रंट सेम करेंगे तो 35 में होगा, वैसे 25 में है। और ये इस तरह वाला ये बताइए 14,000। ये 14,000 में फैब्रिक के साथ मेकिंग। अच्छा जस्ट मेकिंग है ये। और ये वाला ये क्या बना हुआ है? 35,000 रुपये में है। शर्ट बनेगी 35,000 में इस तरह काम हो के? हाँ जी सही है। सिर्फ शर्ट और दुपट्टा इसमें जो है वो कैसा बनेगा? ये कितने इंच का बॉर्डर है? अच्छा ये दुपट्टा सिर्फ 18,000 के साथ कह रहे हैं ये इसके साथ। अगर हम इस तरह फुल शर्ट बनवाए ये मुझे आप करीब से दिखा दो। अच्छा ये इसकी फुल शर्ट बनी हुई है जी। तो ये कितने की है फुल शर्ट? बैक फ्रंट सेम चीज़। हाँ जी बिल्कुल ऐसे फुल। फुल। और दुपट्टा इस तरह वाला दुपट्टा इसके साथ मिला के दुपट्टा वो वाला चाहिए इसके साथ ही क्या फैब्रिक काफी क्या है और दुपट्टा फोर साइड बॉर्डर बनेगा सेम एज इट इज। हाँ आपको जो है ना 43 में मिलेगा। 43 एक्सपेंसिव बता रहे हैं आप। काम ही देखा है दुपट्टे के साथ ये मुझे दिखा दे जरा दुपट्टा करीब से। 43 का आपने किस 43। तो ये यही सेम काम कमीज पे क्यों नहीं किया? कमीज पे दूसरी तरह किया दुपट्टे पे दूसरी तरह है जबकि उनकी फीचर में तो सेम है सारा। डिफरेंट डिफरेंट रेंज है दुपट्टे पे डिफरेंट होता है। जैसे ये चीज है शर्ट पे लाइन वाइज नहीं काम हो रहा है वैसे कहेंगे जैसे वो होना वैसे ही बन जाएगा। ये सितारा भरा है वो छोटा वो तो डिपेंड है ना कस्टमर के ऊपर वो जो साथ में रेड कलर लगा वो सेम लगा होगा। ये वाला सितारे का नंबर क्या है? ये 6 नंबर है और वो जो भरा लगा हुआ है तो 6 नंबर सितारा ज्यादा अच्छा लग रहा है। और ये वाला कितने का आप रेडी करके ले रहे हैं? वो आपको जो है ना फैब्रिक आपका ओरिजिनल मेकिंग है 23 मेकिंग। और दुपट्टा इसमें कैसा है? दुपट्टे में क्वालिटी वाला होता है। अच्छा और ये वाला भाई ये वाला बता दें। हाँ जी 35,000। एक इसकी भी प्राइस बता दें मुझे ब्लैक वाले की। ये वाला फर्स्ट वाला हाँ जी 25,000 मेकिंग। बैक फ्रंट कैसा है? सेम बैक शादी। आई होप कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगी। मैंने कोशिश की कि मैं आपको डायरेक्ट सुनवा दूँ ताकि कोई भी मेरे से लिखने में बताने में कोई मिस्टेक ना हो। और हर कारीगर अपना अलग रेट दे रहे थे, आपको चूज़ करना है। मैं इसमें स्पेसिफाई नहीं कर सकती कि इनका अच्छा है या इनका अच्छा है क्योंकि समटाइम्स कुछ कारीगर होते हैं जो टाइम पर डिलीवर नहीं करते काम। कुछ ऐसे होते हैं जो गंदा कर देते हैं, कुछ काम को खुला खुला कर देते हैं। तो इसलिए ज़रा इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए बेहतर है कि आप खुद देख के चूज़ करें। और यहाँ पे एक 2.5-3 साल की बच्ची के लिए ड्रेस तैयार हो रहा था जिस पे मोतियों सितारों वगैरह का काम से ज़्यादा मोती का था। 8,000 का उन्होंने तैयार किया और मतलब काफ़ी पैसा है लोगों के पास। उसके अलावा ये जो एक पिंक कलर का ड्रेस नज़र आ रहा है भाई के पीछे, ये ड्रेस बहुत बहुत खूबसूरत लग रहा था। आई नो कि वीडियो में इतना नहीं समझ आ रहा लेकिन बहुत खूबसूरत ड्रेस है। उसके साथ वाला भी मुझे बहुत प्यारा था, बहुत काफ़ी फेमस डिज़ाइनर का स्टाइल लग रहा था। और ये इन्होंने क्या किया है, वो कस्टमर खुद फैब्रिक ला के दे के गए हैं और इसके ऊपर ऊपर कोटी भी है जो फुल काम से भरी हुई है। 60K इन्होंने मेकिंग लिया है जो कि मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा है। जितना मर्ज़ी ऊपर कोटी पर काम हो क्योंकि शर्ट पर बहुत ज़्यादा काम नहीं है लेकिन खूबसूरती बहुत ज़्यादा है। आप बताइएगा आपको कैसा लगा। और मुझे समझ नहीं आती लोग इतना कैसे सोच लेते हैं। मतलब देखिए कितना उसका क्रिएटिव, उसने एक तो पहले सूट पसंद किया उसके तरह का, फिर फैब्रिक भी ढूंढ के ले आई। अमेजिंग, बहुत खूबसूरत फैब्रिक था। और मतलब मुझे स्टफ़ भी जज करने में मुश्किल हो रही थी। रॉ सिल्क वगैरह भी नहीं थी, ना ही सिल्क थी ना मोटा स्टफ़ था, बहुत मज़े का स्टफ़ था। अच्छा जी यहाँ पे जो है काफ़ी चेंज हो चुकी है लिबर्टी और यहाँ पे जो है ये काम भी कर रहे हैं, स्टिचिंग वगैरह भी है इस तरह काफ़ी है। तो मैंने इनसे पूछा मुझे जस्ट दुपट्टा पेंट करवाना है, जस्ट पेंट
4500 इन उनका, जो कि बहुत ज़्यादा है। अच्छा, ये इसके सामने ही बिल्कुल यहाँ पे ये तैयार कर रहे थे, तो मैंने इसे पूछा यहाँ पे मे बी मैं रॉन्ग हूँ, मुझे सही से समझ नहीं आई, 25 मुझे समझ आई इसकी मेकिंग, मुझे एक्सपेंसिव लगी ये। इन दोनों का ही रेट, मतलब दुकानों का रेट थोड़ा ज़्यादा था, लेकिन खूबसूरत था, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस तरह के पेंट करवा के ऊपर हल्का हल्का काम कर रहा है। मेरे कहता मैं पेंट किसी से करवाऊँ, काम खुद करो क्योंकि उससे कॉस्ट बहुत मिनिमाइज हो जाएगी, वरना बहुत एक्सपेंसिव है। मैं ऐसा करते हैं, हम लिबर्टी को थोड़ा डाउन टू अर्थ होके देखते हैं, और यहाँ पे ये मुझे पसंद आ गया, एक कटवर्क वाला डिज़ाइन मुझे अच्छा लगा, तो मैंने पूछ लिया। 9000 तकरीबन ये आपको दुपट्टे के साथ पड़ेगा, और वैसे 6500 समथिंग, हाँ इतना कहा था, मतलब 9000 दुपट्टे के साथ। दुपट्टे कैसे कॉर्नर्स बने हैं, फिर मुझे एक ये पसंद आया, ये बहुत क्यूट सा लड़ था, शायद कलर कॉम्बिनेशन की वजह से, आई थिंक मेरा नेक्स्ट क्रश जो है वो इस तरह के कलर्स पे आ रहा है, लाइम लाइम पे, पहले भी मुझे लाइम कलर पसंद आया हुआ है। और ये कह रहे थे कि इसकी जो मेकिंग है वो 10000 आई थिंक सो है, और मैं कहती शर्ट की लेंथ इतनी रही, कहते नहीं शर्ट की लेंथ जितनी आपको चाहिए होगी उतनी हो जाएगी, क्योंकि शर्ट की लेंथ बहुत छोटी थी किसी, और फिर मैंने फ़ौरन वो ले लिया कार्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चन होता है इस दुकान का, मैं नंबर देती हूँ इस दुकान का, मैं कार्ड दिखा दें, तो मेरी पूरी कोशिश रही है कि मैं आपको हर दुकान का कार्ड दिखाऊँ, और अगर जिन दुकान का नहीं दिखाया तो उनको आप मेरे थ्रू ऑर्डर कर सकते हैं, उसके लिए आप इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और ये लास्ट टाइम मैंने दिखाया था तो कुछ लोगों का क्वेश्चन था, तो मैंने उसके लिए ये दिखा दिया है, इसकी मेकिंग भी बता दी है। ये भी एक अच्छा तरीका है कि चुनरी वाले को इस तरह यूज़ किया जाए। अब हम जी डाउन टू अर्थ होके देख रहे हैं लिबर्टी को, लिबर्टी में क्या क्या मौजूद है, किस किस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। ये सब लिबर्टी का बेसमेंट है, बहुत बड़ा बेसमेंट है, बहुत कुछ है यहाँ पे। अगर अभी हयात वालों की शॉप आने वाली है जी, ये नहीं, अच्छा हयात वाले फेमस हैं रॉ मटेरियल के लिए, लाइक प्लेन फैब्रिक्स के लिए, आपको शिफॉन चाहिए हो, जरी वाले चाहिए हो, कतान सिल्क, रॉ सिल्क, मतलब जो भी फैब्रिक्स होते हैं जो कि आपको प्योर में चाहिए हो या आपको सेमी प्योर चाहिए हो, तो ये है जी हयात वालों की शॉप, काफ़ी फेमस है, आप इससे भी पूछ सकते हैं। थोड़ी डाउन हो गई हूँ मैं, और यहाँ पे सारा आपको मैं डाउन टू अर्थ रह के ही दिखाऊंगी। और साथ समय अफसर मैं आपसे बात करना चाह रही थी, प्लीज़ आप लोग कभी भी ये सोच के मत जाइएगा कि जो चार्जेस हमें बताए गए हैं वही आपको बताए गए होंगे, मे बी आपको कम बताए जाएँ या मे बी आपको ज़्यादा बताए जाएँ। और यहाँ पे मुझे एक बुटीक के भाई ये लहंगा पसंद आ गया, 11000 का ये लहंगा था, और अगर इसमें दुपट्टा शर्ट ऐड करवा ले तो 22000 का कह रहे थे। अच्छा जी, यहाँ पे लिबर्टी बेसमेंट में आपको टसल्स, लेसिस, इस तरह की शॉप्स मिल जाएंगी। ये पैकेज डिटेल वीडियो का लिंक मैं डाल दूँगी, ज़रूर विजिट कीजिएगा, सब कुछ मिल जाता है। वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगे, नेक्स्ट वीडियो तक ले ला हाफिज़।